हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राजा अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो स्टोरी कुछ यूं है। जैसे आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से हर बंदा अपने घर बैठा हुआ है। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, मेरी बात सुने, कि जो बंदे कह रहे हैं कि हम घर में बैठ बैठ के बोर हो गए हैं, हम घर में बैठ बैठ के तंग आ गए, हम क्या करें। मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको तौबा करने का मौका दिया है। तो अभी मैंने तो यही फील किया है, जितनी हमने इन दिनों में दुआएँ और पाँच वक्त की नमाज और इबादत की हैं, वो हमने कभी भी रेगुलरली पंक्चुअल होकर कभी भी नहीं की। मैं अपना बताऊंगा कि मैंने खुद जो है ना, इन दिनों में कभी भी पांच वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी थी पहले, इससे पहले ना कभी इतनी इबादत की थी ना दुआएं की थी। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको ये मौका मिला है कि तौबा करो अल्लाह से और अल्लाह की तरफ रजू हो। तो मेरे भाई, आप ये कहना छोड़ दो कि हम बोर हो गए, वो हो गए। देखें, जान है तो सब कुछ है, अल्लाह से तौबा करो। एक दिन तो मरना सब ने है, लेकिन ये टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि ये कोरोना तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा वक्त आया था कि कोरोना वायरस था और वो कई जानों को लेके चला गया। तो मेरे भाई, ये आपके लिए पैगाम है, प्लीज़ ये कहना छोड़ दें कि जो है कि कोरोना वायरस की वजह से हम बोर हो गए घरों में रह रह के। तो प्लीज़ अपने अपने घरों में रुकें और अल्लाह की तरफ रुजू हों। और दूसरी मेरी बात जो ये है, ये पेरेंट्स के लिए है। जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हैं, तालीम खर्च हो रही है, वो घर बैठे हुए हैं, तालीम नहीं उनको मिल रही, वेस्ट हो रहा है सब कुछ, मैं उनको बोलूँगा कि प्लीज़ ये कहना छोड़ दें। ये आपके पास अच्छा टाइम है, अपने बच्चों को एटिकेट सिखाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको जो बच्चियाँ 8, 9, 10, 12 साल की हैं, उनको माएँ जो हैं, जो मदर्स हैं, वो कुकिंग करना सिखा दें, कोई ऐसा स्किल सिखा दें कि ताकि ये उनको याद रहे कि इन दिनों में हम घर में थे तो हमने क्या क्या सीखा। स्कूल तो वही है, वो रटा लगवाएंगे, सबक याद करवाएंगे तो बच्चे घर आ जाएंगे, ABC सुनाएंगे तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चे आज पढ़ के आए हैं। तो जो असली तरबियत होती है वो माँ बाप ही करते हैं। स्कूल का एक अलग किरदार होता है, वालदैन का एक अलग किरदार होता है। सो प्लीज़ ये कहना छोड़ दें, हमारे बच्चों की तालीम वेस्ट हो रही है, तालीम फिर मिल जाएगी जब स्कूल खुलेंगे सब कुछ। लॉकडाउन सारी ज़िंदगी तो नहीं रहेगा, ये राइट टाइम है अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएँ। उसके बाद मेरी बात है उन यंगस्टर के लिए, बेशक वो गर्ल है, बॉय है, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या उनके लिए है जो अभी जॉब करते थे जिन्होंने जॉब अपनी छोड़ दी है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि यार, आप ऑनलाइन की फील्ड में देखें, आप हर बंदे के पास आजकल इंटरनेट मौजूद होता है, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स बड़े बड़े फ्री लॉन्सर्स और ऑनलाइन फील्ड में कहाँ कहाँ आपकी स्किल हैं, आप वहाँ जाके देखें यूट्यूब पर, गूगल पर, क्योंकि आजकल हर बंदा फारिग है। तो मैं खुद अपना बताऊंगा कि मैंने कभी भी इतनी यूट्यूब यूज़ नहीं थी की और ना गूगल किया था जितनी मैं इन दिनों में कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम होता है, पूरा दिन ही होता है इंसान के पास। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये अच्छा मौका है आपके पास, अगर आपके पास स्किल है अपना यूट्यूब पे चैनल बना लें, आपके पास किसी किस्म का स्किल है यार, ऑनलाइन पर हर एक चीज़ पड़ी हुई है, यूट्यूब पर, गूगल पर, जहाँ भी जाएँ। सो प्लीज़ इस टाइम का आप फ़ायदा लें, क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिर से लॉकडाउन ख़त्म होगा, काम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी आपकी। सो प्लीज़ आप ये जो है ना, ये मेरी बातों को सीरियसली लें और थोड़ा सा खुद भी सर्च किया करें, हर एक चीज़ आजकल नेट पे मौजूद है, ठीक है, आपको फ़ायदा देगी यार, इसका नुकसान क्या है। अगर आप में कोई हुनर है वो आवाम को दिखाएं, अगर आप में कोई अच्छी बात है वो किसी को सिखाएं, तो ये तो बनता है ना यार। सो प्लीज़ मेरा पैगाम आप सबके लिए आज का यही था, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्लीज़ आप जो है ना, इस बात को नोट करें, अपने दिल से पूछें कि जो मैंने बातें की हैं सही की हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तब तक टेक केयर।